घटना घटी है जहाँ पर, तो वहाँ का ना करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा है और पूरी बात वही लोग बताएगा। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं BeforePrint.in। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। बीजेपी के तमाम नेता गोलीकांड की जांच पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गोलीकांड के असली गुनहगारों को बचा रही है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि बेगूसराय की घटना आतंकी हमला है और इसकी जांच CBI या NIA से करानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां घटना हुई है वहां की पुलिस ही पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस अपना काम कर रही है और जिन लोगों को पकड़ा गया है वही लोग सच्चाई बताएंगे। बीजेपी के लोग जो कुछ भी बोलते रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के लोगों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जांच के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। मानसिक बनाया देखिए कितना सुंदर बन रहा है और खूब अच्छा रहेगा। अगर इन्हीं को भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है तो इलाज अच्छे ढंग से करें। क्षेत्र किरण जी का क्षेत्र है, उनका तालिका पे नाम नहीं है। ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र किरण जी का क्षेत्र है सर, उनका नाम ही नहीं है तालिका पे। आरोप भी लगा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का नाम आया है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है इन्वेस्टिगेशन, CBI या NIA से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आ बताइए घटना घटी है जहाँ पर, तो वहाँ का ना करेगा पुलिस वाला जांच, वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा है और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब चले कोई मतलब देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि पटना के गांधी मैदान में 2013 में जिस तरह से घटना हुई थी उसको लेकर के इन लोग उसका तार जोड़ रहा है कि उस समय में भी ये घटना हुई थी। याद किए रही है, बहुत अच्छा है, कम से कम 13 याद कर रहे हैं। हम लोग सबको कह दे रहे हैं याद रखना, क्या लग रहा है सुनने के बाद सारी बात सामने आ जाएगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।